सिकरहना नदी में उफान आने की वजह से जगह जगह पंचायत डूब चुके हैं और ऐसे में लोगों को खास परेशानी हो रही है। किसानों के लिए परेशानी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फसलों के बर्बाद होने से किसान मायूस हो चुके हैं और जायजा लिया है हमारे संवाददाता नहीं और पीड़ितों से जब बातचीत की है न्यूज 18 के जरिए फसल बर्बाद होने के बाद उन्होंने सरकार से राहत देने की गुहार लगाई है। नेपाल में हुई बारिश ने सिकरहना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की है और उसका असर साफ तौर पर मोतिहारी से सटे बंजरिया में देखने को मिला। देखिए ये बंजरिया गांव की तस्वीर है बंजरिया प्रखंड के और वहां पर बाढ़ का पानी जो है वो कितना तेज गति से जो है वो गांव में प्रवेश कर रहा है। अमूमन इस बाढ़ के पानी ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान किया है और जो लोग हैं दर्जनों गांव है जिनका संपर्क जो है वो टूट गया है प्रखंड मुख्यालय से। वैसे स्थिति में लोग काफी परेशान हैं। लोग जो है देखिए कितना लगातार पानी का जो है वो जलस्तर बढ़ रहा है। क्या कितना परेशानी हो रहा है? बाढ़ तो बहुत परेशानी है हम लोगों को। खेती बाड़ी सब हम लोगों का आ गया। कितना मेहनत की है सुखाड़ में पानी पटा पटा छोसा पानी पटाया सब खत्म हो गया। हम लोग टूट गया पाक गया सब दहा गया हम लोग। क्या नाम है आपका? उसी अख्तर। कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मिला नहीं। कोई मुआवजा मिल रहा है? सरकार नहीं मिल रहा है। कुछ मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ जैसे आपको? हाँ बहुत। क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान। क्या फसल नुकसान हुआ? फसल नुकसान हो गया। बहुत नुकसान है। फसल सब नुकसान हो गया है। हमको गरीब को कोई मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा सारा धनी लोग को मिलता। कितना एकड़ खेती किया? एक बीघा। क्या चीज़? क्या एक बीघा हम बोले रहे हैं। कभी कभी बोले रहे हैं धान बोले रहे हैं सब पानी में। कोई आवा था कि ना? कोई कति बर्बाद भेल घर में पानी आ गया था। घर में पानी ढुकता है। धान सब दहा गल। एक बीघा धान रोप ले रही सब दहा गल। के देनिहार बा? के देनिहार बा? कोई पैसा वैसा नहीं के एगो रुपया ना? एगो रुपया ना? सरकार देवे ना करिय आज हमनी के सब दहा था भूखे मरत नहीं से तो के दी। बिल्कुल देखिए ये बंजरिया प्रखंड के गांव की तस्वीर है और यहां पर पानी का जो बहाव है वो काफी तेजी से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं। जो किसान हैं उनकी फसल की क्षति हुई है और जो गांव के लोग हैं उनके घर के अगल बगल पानी आ गया है बाढ़ का। तो ऐसी स्थिति में लोग काफी परेशान हैं और कई पंचायत के गाँव का संपर्क जो है वो प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। तो लोग काफी परेशान से दिख रहे हैं। अनिश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। और अगली खबर आपको बेतिया से बताएं जहां सात